উপস্থিত থাকবেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केटियास डेली लाइफ। और कैसी रही आपकी दिवाली ये ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी दिवाली तो ठीक ठाक से बीत गई, क्योंकि बारिश साइक्लोन आने वाला था, तो उसकी वजह से झड़ बना रहा। हम लोग का झड़ डिस्ट्रिक होता रहा, तो उससे कुछ खासा इन्जॉय नहीं किया हम लोगों ने दिवाली को। तो आज एक दो जगह हम लोग का सभी काली पूजा का निमंत्रण, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि निकलते माँ विदु के पास, माँ के पास विदु रहेगा, तो मैंने सोचा फटाफट चाय कर देते हैं। कप चाय माँ के लिए शाम को माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ, मैं तो वहाँ पे पी ही लूँगी, क्योंकि कहीं जाने पे यहाँ चाय बैंगलोर में चाय नहीं मिलेगा, तो आपको समझिए कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले चाय ही मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर का चाय आज स्किप कर देते हैं, आज वहाँ चल के जाती हूँ। अभी मैं तैयार होंगी तो फिर किसी को कुछ नहीं पड़ी है, और जब नहीं तैयार होंगी तो चिल्लाने लगते हैं कि अरे चलना था, क्या हुआ तुम तैयार नहीं हुई। और अभी आज तैयार होकर बैठी, कोई अता पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे खुद नहीं पता। और सारे काम ठप हो गए, क्योंकि तैयार होने के बाद से फिर भी कुछ तो कर लिया, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। শুভদীপে বলেন প্রীতি শুভেচ্ছা এবং হার্দিক অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মনসাতলা যুবক সংঘ উৎসাহে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। সবাই এবার ধরে হাত চালিয়ে দেবেন। फिलहाल जाके पूजा स्लॉट है, और कुछ वीडियो क्लिप मैंने नहीं उठाया, क्योंकि कोई भी ड्रेस पहन के मैं ज़्यादा टाइम तक वेदू के साथ ठीक से नहीं रह सकती, क्योंकि साड़ी तो पहना हुआ था बट वेदू ने इधर उधर करके कभी कुछ गिराता है, कभी पानी गिरा दिया, तो ये मेरे साथ हमेशा लगा रहता है। दिन भर में 2-3 ड्रेस तो चेंज करने ही हो जाते हैं, तो फिर साड़ी उसने मेरी ख़राब कर दी, तो फिर मुझे सूट पहन के जाना पड़ा। तो ये श्यामा पूजा होता है, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे पूजा होते हैं, जैसे कि दीपावली पूजा, दुर्गा पूजा, मतलब कोलकाता फेस्टिवल का अगर शहर कहा जाएगा तो ये गलत नहीं कहा जाएगा। हर 10 दिन में कोई ना कोई फेस्टिवल पड़ता रहता कभी, और फेस्टिवल पड़े ना पड़े शनि पूजा काली पूजा ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मेन होता है भोग की खिचड़ी जो आई हुई है घर पर, मैं दिखाऊंगी आपको। और एक और स्पेशल चीज़ आ रही है हम लोग का, हाँ पानी फुचका, तो चटनी फुचका नहीं है, पानी फुचका और दही फुचका भी नहीं है, तो चटनी बोले मतलब पानी पानी फुचका, तो पानी फुचका देखिए। अभी जल्दी सोए थे, फुचका लगा थे ना ये सामने इस पार पे, क्या करने गई थी मेला, किस काली पूजा का, काली पूजा का मेला लगा हुआ है, क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे? ज्यादा खास नहीं, एक कितना बड़ा, इतना ही बड़ा होगा रिंग, 4 आपको देगा,
अच्छा सामान फेंक के सामान फंसाने वाला, सामान नहीं है पैसा है, 200, 100, 50 रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे करके। कितना फंसा है? नहीं फंसा बस, आज छू के हट गया 100 रुपए पे, ऐसे थोड़ा सा के लिए एकदम घूम के उस पे रुक थोड़ा सा ज्यादा नहीं फंसा। अच्छा ऐसे चाट था तो इसको को मैं लेके हम पानी पूछ के लेके आई। ठीक बोल देना। ठीक अभी उठे जल्दी से उठे, आइए कुछ को लिखा देंगे, मैं आपकी लिपे कर दी रहा हूँ। अच्छा मौसी का नया क्लिप भी है। तो जैसा कि मेरा दही फुचका, मेरा चटनी फुचका मेरा फेवरेट है, चटनी फुचका, तो चटनी फुचका नहीं है तो दही फुचका, दही फुचका भी नहीं है तो मजबूरन हम लोग को आलू फुचका खाना पड़ेगा। तो उसको आलू फुचका नहीं बोलते, उसको पानी फुचका बोलते हैं। मुझे तो अभी बोलने भी नहीं आया अच्छे से कि क्या बोलते हैं, बट हाँ यहाँ पे जो ना टेस्टी टेस्टी फुचका मिलता है कि मैं चिकन फुचका, मटन फुचका, पता नहीं क्या क्या फुचका, अभी तो वैरायटी मैंने टेस्ट भी नहीं किया, मैं तो बस ये तीनों टेस्ट कर की हूँ अभी तक, चटनी फुचका, दही फुचका और पानी फुचका, बाकी का अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मन है किसी दिन टेस्ट करने की। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई सब आए सब, तो उनके साथ जाके टेस्ट करूँ, क्योंकि उन सबों को भी टेस्ट करा दूंगी और मैं भी करूँगी, तो तीनों का टेस्ट, तीनों को तो समझ में आएगा कि क्या अलग है। तो आज मैं भोग की खिचड़ी आपको दिखाऊंगी, लेकिन दिखाने से क्या फायदा जब तक इंसान टेस्ट ना करे। तो चलते हैं अपने भूख की खिचड़ी की तरफ। तो फाइनली मेरा फुचका आ गया, ये रहा आलू फुचका और ये रहा इसका पानी। तो इसको मैंने बड़ी सी थाली ले ली ताकि ये किधर भी गिरे पड़े ना, और क्या यमी यमी इसका टेस्ट आता है कि मैं क्या बोलूँ। और ये आंटी जो देती हैं, मतलब इनका तो फुचका स्पेशल होता है, और एक स्पेशल वन को भी मेरे बड़ा ये फुचका पसंद है। ये जो स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉगिंग किया था कांकीनाड़ा का फुचका, उससे बेटर है, बेटर क्या बेस्ट है ये, मतलब इसका पानी भी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरी मम्मी को काफ़ी पसंद आएगा ये, सीरियसली।